The next problem that we are taking up in decision theory is question number 4. So please open up your handouts and take out question number 4 in decision theory, which is on page number 36. So ek bar open kariyega page number 36 aur usme dhyan dijiyega question number 4 ke upar. Ab question number 4 mein likha hua hai, a physician purchases a particular medicine every week. The medicine must be used within the week, otherwise it becomes worthless. The medicine costs rupees 2 per dose and the physician charges rupees 4 per dose. Jo physician hai, matlab wo doctor, purchase kar raha hai medicine ko 2 rupees mein aur sale kar raha hai usko rupees 4 mein. To profit kitne rupaye ka ho gaya isme? 2 rupees ka. To jab bhi question milega, pehle to profit dekhna. प्रॉफिट आ रहा है यहां पर रुपीस 2 का. और ये भी लिखा हुआ है, इफ द मेडिसिन इज नॉट सोल्ड इट बिकम्स वर्थलेस. वर्थलेस मतलब उसके ऊपर कोई रीसेल वैल्यू नहीं है. तो लॉस कितने रुपए का हो जाएगा? लॉस भी पूरे 2 रुपीस का हो जाएगा. 2 रुपए की उसने मेडिसिन खरीदी एंड इफ इज नॉट एबल टू सेल इट, तो वो मेडिसिन वर्थलेस हो जाएगी. तो लॉस यहां पर हो जाएगा 2 रुपीस का. नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिएगा. In the past week, the record are as follows. यहाँ पर आपको dose दे रखी है, number of weeks दिया हुआ है. First point, calculate करने को बोला है expected monetary value. Second is expected opportunity loss. And third is expected value with perfect information. तो अभी हमें ये तो पता लग गया कि इस question में तीनों models calculate करने हैं. First, EMV. Second, EOL. थर्ड EBPI. तीनों मॉडल्स को निकालने के लिए सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू. फर्स्ट मॉडल इज EMV और उसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा. EMV स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, जो कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है. तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे हम, और उसको कैलकुलेट करने के लिए जो पहला टेबल बनाने जा रहे हैं हम, उस टेबल का नाम है पे ऑफ टेबल. सो फर्स्ट टेबल दैट वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईएमवी इज द पे ऑफ टेबल. उसमें पहला कॉलम आ जाता है स्टेट्स ऑफ नेचर का. स्टेट्स ऑफ नेचर का एग्जांपल है डिमांड, जो कि आपको सेल्स की फॉर्म में भी दे सकता है. उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है प्रोबेबिलिटी का, और फिर आता है कोर्सेज ऑफ एक्शन. सो वी हैव स्टेट्स ऑफ नेचर जिसका एग्जांपल है डिमांड, कोर्सेज ऑफ एक्शन जिसका एग्जांपल है स्टॉक. और कोर्सेज ऑफ एक्शन के लिए आपके पास कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं डिमांड के. कितनी दी हुई है डोज पर वीक यहाँ पर? 20, 25, 40 and 60. तो ये तो हमें गिवन है डोज, यानी डिमांड गिवन है, और यही सेम टू सेम हो जाएंगे आपके कोर्सेज ऑफ एक्शन 20, 25, 40 और 60. राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मेट ऑफ द पे ऑफ टेबल, जहां पर आपके पास स्टेट्स ऑफ नेचर आ गए, फोर्सेस ऑफ एक्शन आ गए. फोर्सेस ऑफ एक्शन जब भी मेंशन नहीं होंगे, तो जितना आपने स्टेट ऑफ नेचर लिया हुआ है, जो भी डोज या डिमांड दे रखी है या सेल्स दे रखी है, सेम टू सेम उतना ही अज्यूम कर लेंगे आप फोर्सेस ऑफ एक्शन. प्रोबेबिलिटी के लिए आपको इस क्वेश्चन में नंबर दे रखा है. क्या क्या नंबर गिवन है? नंबर ऑफ वीक्स आर 5, 5, 15, 25, 5. इनसे हमें पहले प्रोबेबिलिटी डिराइव करनी पड़ेगी, और प्रोबेबिलिटी को डिराइव करने के लिए उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम? उसको निकालने का फॉर्मूला है फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केस. तो अभी हमें सारे केसेस को टोटल से डिवाइड करना है. करो एक बार इनका टोटल, 5 प्लस 15 होता है 20,
45 प्लस 5 50, हर वैल्यू को टोटल से डिवाइड करो। सबसे पहले 5 को 50 से डिवाइड कीजिएगा, इनका टोटल आ रहा था 50, 5 by 50 will be 0.10. Next, 15 को 50 से डिवाइड कीजिएगा 0.30, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को निकालने का तरीका यही है, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। नेक्स्ट 25 को 50 से डिवाइड किया 0.50, और लास्ट में 5 को भी 50 से डिवाइड कर दिया, 5 अपॉन 50 क्या हो जाएगा 0.10। तो हमें प्रोबेबिलिटी ज्यादातर गिवन होती है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क के केसेस में, जब कभी नंबर ऑफ वीक्स या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो, तो नंबर से या फ्रीक्वेंसी से प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा, तो सारी वैल्यूज का टोटल करिएगा और हर वैल्यू को टोटल से डिवाइड कर दीजिएगा, यू गेट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, अब हम पे ऑफ टेबल बनाएंगे। इसके अंदर आपको याद रखना है सबसे पहली ऑप्शन, जब भी आप पे ऑफ निकालें, पे ऑफ कैसे निकलेगा, पहले तो हम प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे, फिर लॉसेस कैलकुलेट करेंगे, और प्रॉफिट्स में से लॉसेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पे ऑफ। कैसे आएगा देखिएगा, फर्स्टली 20 का तो स्टॉक है, ऊपर से क्या पता लग रहा है कि स्टॉक कितना है, सामने डिमांड कितनी है, आपके पास 20, द कस्टमर इज डिमांडिंग 20, तो क्या होगा, पूरे 20 सेल हो गए, पूरे 20 सेल हो गए, एक पे प्रॉफिट था 2 रुपीज का, तो 20 पर कितना हो जाएगा 40। नेक्स्ट, यहां पे 20 है, कस्टमर मांग रहा है 25, अब आपके पास 20 है, और अगर मार्केट में 25 की डिमांड हो तो क्या 25 सेल कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते, आपके पास जितना अमाउंट है वही पूरा सेल कर देंगे, पूरा 20 सेल किया और प्रॉफिट आ गया हमारे पास 40 का, डिमांड 25 थी, उनमें से 20 की तो सेटिस्फाई हो जाएगी, जिन 5 कस्टमर्स को नहीं मिला वो किसी और जगह से अपनी मेडिसिन को परचेज कर लेंगे, बट एज अ डिसीजन मेकर आपके पास 20 था, 20 पूरा सेल हो गया तो प्रॉफिट कितने का आया 2 रुपीज के हिसाब से 40 का। यहां 20 है, सामने डिमांड है 40 की, आपके पास 20, कस्टमर मांग रहा है 40, क्या 40 सेल कर सकते हो आप, नहीं, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी कितनी है 20 है, पूरा 20 सेल किया, एक पर प्रॉफिट था 2 रुपीज का, 20 पर कितना हो जाएगा 40। इसी तरह से चाहे डिमांड सामने 60 हो, 80 हो, 100 हो, आप मैक्सिमम कितना सेल कर सकते हैं, केवल 20, पूरा 20 सेल करते जाएंगे और प्रॉफिट कमाते जाएंगे आप 40 का, राइट। नेक्स्ट, क्योंकि 20 से ज्यादा आप सेल कर ही नहीं सकते हैं, आपके पास क्वांटिटी 20, अब जैसे यहां 25 है तो सामने डिमांड कितनी हुई 20 ही, आपके पास है स्टॉक 25 मेडिसिंस का, कस्टमर आया, पेशेंट आया, वो डिमांड कर रहा है 20, तो कितना सेल हो जाएगा 20, 25 था सामने डिमांड है 20, तो पहले 20 सेल किया, 2 रुपीज के हिसाब से प्रॉफिट तो आ गया 40 का, और 25 में से 20 गए तो बचे कितने 5, इन 5 पर लॉस होगा 2 रुपए के हिसाब से 10 का, तो 40 माइनस 10 क्या हो जाएगी वैल्यू 30। नेक्स्ट, 25 स्टॉक है, 25 की डिमांड है, पूरे 25 गए, एक पे प्रॉफिट था 2 रुपीज का, तो 25 पे क्या आ जाएगा 50। इसी तरह से यहां पर भी 50 आएगा, जो कि 25 का स्टॉक और डिमांड है 40 की, अब चाहे कस्टमर 40 मांग ले, आपके पास 25 का स्टॉक है, आप केवल 25 सेल कर सकते हैं और 2 रुपीज के हिसाब से आ जाएगा 50। ऐसे यहां पर चाहे डिमांड हो 60 का, 80 का, 100 का, आपके पास कितना स्टॉक है 25, वो पूरा 25 सेल किया और प्रॉफिट आता जाएगा 50 का, क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन, स्टॉक है 40 का, डिमांड है 20 की, आपके पास 40, पेशेंट आया, वो डिमांड कर रहा है 20, तो 40 में से 20 मेडिसिंस तो गई, 20 मेडिसिंस 2 रुपीज के हिसाब से प्रॉफिट देंगी 40 का, लेकिन 40 में से 20 गई तो बची कितनी 20, वो 20 का 2 के हिसाब से लॉस हुआ 40 का, तो 40 माइनस 40 क्या वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0। नेक्स्ट, आपके पास स्टॉक है 40 का, पेशेंट आया और वो डिमांड कर रहा है 25,
मेडिसिन कितनी है हमारे पास 40, पेशेंट कितना डिमांड कर रहा है 25, तो पहले 25 तो वो ले गया, 25 का 2 रुपीज के हिसाब से, क्योंकि प्रॉफिट 2 रुपीज का था, तो 25 का 2 रुपीज के हिसाब से प्रॉफिट हुआ 50 का, और अगर 40 में से 25 गई तो बची कितनी 15 पर 2 रुपए का लॉस था, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा 30, 50 माइनस 30 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। नेक्स्ट 40 का स्टॉक, 40 की डिमांड, आपके पास 40 कस्टमर आया, वो कह रहा है मुझे 40 दे दो, पूरे 40 गए, 2 रुपीज के हिसाब से कितना हो गया 80। सिमिलरली 40 का स्टॉक और पेशेंट डिमांड कर रहा है 60, वो चाहे 60 मांगे चाहे 100 मांगे, हम नहीं दे सकते हैं उसको इतना, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी कितनी स्टॉक में है, केवल 40 भेजते जाओगे 2 रुपीज के हिसाब से प्रॉफिट होता जाएगा 80 रुपीज का। जिन और पेशेंट्स को नहीं मिला वो कहीं और से ले लेंगे मेडिसिन, बट एज अ डिसीजन मेकर आपके पास 40 का स्टॉक था, 40 पूरा सेल किया, 2 रुपीज के हिसाब से प्रॉफिट आ गया 80 रुपीज का। नेक्स्ट यहां ध्यान देना है, 60 का स्टॉक और डिमांड है केवल 20 की, आपके पास 60 कस्टमर डिमांड कर रहा है 20, तो क्या होगा 60 में से 20 तो गए, 20 पर 2 रुपीज के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है 40 का, 60 में से 20 सेल हो गए आपके, तो 60 में से 20 जाने के बाद बचे कितने 40 जो बच गए वो लॉस है, एक पे लॉस था 2 रुपए का, 40 पर लॉस होगा 80 का, तो 40 माइनस 80 ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 40, राइट। नेक्स्ट 60 का स्टॉक, सामने डिमांड है 25, आपके पास 60 मेडिसिंस हैं, कस्टमर आया मांग रहा है 25, तो पूरे 25 गए, 25 पर 2 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है 50 का, और 60 में से 25 गए तो बचे कितने 35 जो बच गए वो लॉस देंगे 2 रुपए के हिसाब से 70 का, 50 माइनस 70 माइनस का हो गया ये 20, राइट। नेक्स्ट 60 का स्टॉक, कस्टमर मांग रहा है 40, आपके पास 60, मार्केट में डिमांड है 40 की, तो क्या होगा 40 गए, 40 सेल होते ही आपके पास 2 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट तो आ गया 80 का, लेकिन जब 60 में से 40 सेल हो गए तो बचे कितने आपके पास 20 का 2 रुपए के हिसाब से लॉस हो गया 40 का, प्रॉफिट माइनस लॉस पे ऑफ कितनी हो जाएगी हमारे पास 40 की। नेक्स्ट एंड लास्ट 60 का स्टॉक और पूरे 60 की डिमांड है, तो क्या होगा यहां पर 60 पूरा सेल हो गया, एक पर प्रॉफिट था 2 रुपीज का, 60 पर कितना होगा 120 का, राइट। तो एक बार टेबल नोट कीजिएगा, फिर इसमें और आगे करवाते हैं आपको। दिस वॉज द पे ऑफ टेबल। पे ऑफ टेबल के बाद अब आप एक नया टेबल बनाएंगे, उस टेबल का नाम होगा एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल, राइट। तो फॉर्मेट विल बी एग्जैक्टली सेम, हेडिंग है हमारे पास एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल, और ये कैसे बनेगा वो समझिए अब आप। एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल के अंदर पहला कॉलम तो रहेगा स्टेट्स ऑफ नेचर, ये सेम टू सेम रहेगा, देन वी विल हैव प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के बाद कोर्सेज ऑफ एक्शन, जिसका एग्जाम्पल था स्टॉक, स्टेट ऑफ नेचर 20, 25, 40, 60, और इन वैल्यूज का लास्ट में हम करेंगे टोटल, तब जाकर आएगी एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी थी 0.10, 0.30, 0.50 और 0.10। कोर्सेज ऑफ एक्शन 20, 25, 40 और 60। एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल कैसे बनेगा, आपको एक चीज याद रखनी है, इसका फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम रहेगा, वो ही सेम हेडिंग्स, सेम कैलकुलेशंस, बस फर्क कहां पर है, नाउ दोस प्रोबेबिलिटीज जिनका क्वेश्चन में कोई यूज ही नहीं हुआ था, नाउ दीज प्रोबेबिलिटीज विल कम इनटू पिक्चर, इन प्रोबेबिलिटीज का यूज करना है आपको, जिनका पहले टेबल में कोई यूज नहीं हुआ था, इन प्रोबेबिलिटीज को
इनके सामने वाली पे ऑफ से मल्टीप्लाई करना है और फिर पूरे कॉलम का टोटल कर देना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? कीप द कैलकुलेटर्स इन योर हैंड। पहले 40 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 4। उसके बाद 40 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 12। 40 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 20। 40 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 4। अब आपने इस पूरे कॉलम का टोटल कर लेना है, तो ये हो जाएगा 32, 4, 36 और 4, 40। इसी तरह से इन सभी वैल्यूज को इनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते जाना है और पूरे कॉलम का टोटल कर लेना है। इस पूरे टोटल को बोला जाता है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, और इनमें से जिसका भी टोटल सबसे ज्यादा आएगा वही आंसर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। 30 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 3। 50 को सामने वाले 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 15। इस 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 25। और 50 को 0.1 से किया, 5। एक बार टोटल करिएगा तो इसका टोटल आ जाना चाहिए 48। नेक्स्ट 0 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, 0। 20 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया हमने, 6। इस 80 को इसके सामने वाली प्रोबेबिलिटी 0.5 से किया, 40। और इस 80 को सामने वाले 0.1 से कर दिया, 8। तो 48 और 6 की वैल्यू हो गई 54। लास्टली -40 को 0.1 से किया मल्टीप्लाई, -4। -20 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये हो गया -6। 40 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया हमने, 20। और 120 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 12। अब इन सब का टोटल किया तो ये हो जाएगा 32 माइनस 10 विल बी 22। तो इन सारी वैल्यूज में से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 54। तो बस इसी के हिसाब से लिखेंगे अब आप कंक्लूजन, राइट? तो नोट कीजिएगा इसको, फिर उसके बाद नोट कीजिएगा इसका कंक्लूजन। एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू तीन स्टेप में आती है। पहले बनता है पे ऑफ टेबल जो हमने बनाया प्रॉफिट्स में से लॉसेस को एलिमिनेट करके, फिर बनता है एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल, इन वैल्यूज को इनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से इंटू किया और ऐड कर दिया, और उसके बाद इन सब का टोटल करने के बाद जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो सेलेक्ट कर लेना है। हाईएस्ट कौन सी थी? 54। लिखिए इसका कंक्लूजन। सिंस द एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू इज मैक्सिमम इन 40th strategy, therefore the decision maker, should select 40th strategy. Therefore, the decision maker should select 40th strategy. Highest value यहाँ पर 40th strategy ने है, इसीलिए decision maker को 40th strategy को select कर लेना चाहिए। ये था first model expected monetary value। साथ के साथ आप EBPI भी calculate कर लीजिएगा, क्योंकि EBPI पहले तो इसका full form note कर लीजिएगा, ये बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। EBPI का फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड वैल्यू विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन, और ये कैसे आएगा? इसका एक फॉर्मूला होता है EBPI माइनस EMV मैक्सिमम। So take down this formula to calculate the value of EBPI. It is EBPI minus EMV maximum. लिखा formula. अब आगे ध्यान दीजिएगा। EBPI का full form था expected value with perfect information.
और ईपीपीआई का फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड पे ऑफ विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन. एक्सपेक्टेड पे ऑफ विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन. तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालनी है हमें विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन. उसके लिए प्लीज पे अटेंशन. एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल पर ध्यान देना आपने. राइट, दिस इज एक्सपेक्टेड पे ऑफ विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन. तो इसको किसमें लोकेट करना है, पे ऑफ में से नहीं देखना. ये एक्सपेक्टेड पे ऑफ है तो इसको एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल में से देखना है. और कैसे देखना है, उसमें देखो फर्स्ट रो की मैक्सिमम वैल्यू क्या है. क्या है फर्स्ट रो की मैक्सिमम? 4. इसको सर्कल कर लीजिएगा. फिर सेकंड रो का मैक्सिमम, ये सर्कल हो गया. थर्ड रो का मैक्सिमम 40 और लास्ट रो का मैक्सिमम 12. तो ये जब भी आप टेबल बनाएंगे डायगोनल पैटर्न के अंदर आ जाएगा. इन सारी मैक्सिमम वैल्यूज का टोटल करिएगा एक बार और बताओ टोटल कितना आ रहा है. 40 प्लस 15 55 और 4 59 प्लस 12 71. तो ईपीपीआई की वैल्यू आ गई 71. ईपीपीआई कैसे आएगा, एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल में हर रो का मैक्सिमम लेना और उनका टोटल कर देना और उसमें से ईएमवी मैक्सिमम जो कि आई थी 54 इसको माइनस कर दिया तो ईपीपीआई कितनी आ जाएगी 17. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन ये बताती है कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन अगर होती है आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट्स आ जाते 71 तो जो आपकी ईएमवी मैक्सिमम आई है वो कितने पॉइंट्स दूर रह गई है 17 पॉइंट. और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अब हम ईओएल कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस और एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस सेम टू सेम 17 ही आना चाहिए. अगर 17 नहीं आया दैट मींस यू माइट हैव कमिटेड सम मिस्टेक. तो जो ईबीपीआई आया है हमारा सेम टू सेम वो ही आना चाहिए ईओएल यानी कि एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस. अगर वो मैच नहीं कर रहा है दैट मींस यू हैव कमिटेड सम मिस्टेक. तो अब ये नोट कर लीजिएगा और तीसरी हेडिंग डाल दीजिएगा इसके बाद एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस फाइनल हेडिंग इन दिस वन. और एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस को बनाने के लिए लिखिए फर्स्ट स्टेप. स्टेप वन डैश डालकर लिखिएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल. Construction of opportunity loss table. तो इसके लिए हम आप एक नया टेबल बनाएंगे, टेबल नंबर 3 आज की क्लास का. और इस टेबल का हेडिंग है अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल. ये कैसे बनेगा एक बार इसका स्टेप लिख लीजिएगा. टू कंस्ट्रक्ट द अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल. टू कंस्ट्रक्ट the opportunity loss table, comma, we will select the maximum value from every row and subtract all the elements from it. We will select the maximum value from every row. Row wise lena hai aapko maximum. We will select the maximum value from every row and subtract all the elements from it. Bracket mein likh lijiyega from payoff table. तो अब जो टेबल नंबर 3 है वो बनेगा पे ऑफ टेबल से. हेडिंग हो जाएगी आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल. और कैसे बनेगा, हर रो में से मैक्सिमम लीजिएगा पे ऑफ टेबल में से और उसमें वो वाली पूरी की पूरी रो माइनस कर देंगे आप. तो अब ये कैसे करना है, जैसे आप पे ऑफ टेबल देखो अपना कितना आ रहा था फर्स्ट रो का मैक्सिमम. फर्स्ट रो का मैक्सिमम था 40 में से 40 माइनस किया 0.
40 में से 30 को माइनस कर दिया हमने 10, 40 में से सामने वाले जीरो को माइनस किया 40, और 40 माइनस और माइनस 40 तो माइनस माइनस प्लस की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 80। नेक्स्ट सेकंड रो का मैक्सिमम देगा 50 में से 40 माइनस किया हमने 10, 50 में से 50 को ही माइनस कर दिया 0, 50 माइनस 20 30, और 50 माइनस ऑफ माइनस 20 ये हो जाएगा 70। ऐसे ही बारी बारी हर रो में से मैक्सिमम लेना और उसमें से वो वाली पूरी रो माइनस कर दीजिएगा। जैसे लास्ट थर्ड है 80, इस रो का मैक्सिमम कितना है 80 है, 80 में से 40 माइनस किया 40, 80 में से 50 माइनस किया 30, 80 माइनस 80 कर दिया 0, और 80 में से 40 माइनस किया क्या आ जाएगा वैल्यू 40। नेक्स्ट फोर्थ रो में से मैक्सिमम देखा हमने, मैक्सिमम कितना आ रहा था 120 में से 40 माइनस कर दिया हमने 80, 120 में से 50 माइनस किया 70, 120 माइनस 80 40, और 120 में से 120 गया तो 0 आ जाएगा। तो पे ऑफ से बनाना है अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। कैसे बनाना है, हर रो में से मैक्सिमम लेना और उसमें से वो वाली पूरी की पूरी रो को माइनस कर दीजिएगा, फॉर्मेट विल बी एग्जैक्टली सेम। और अब इस अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल से एक आखिरी टेबल बनेगा जिसका नाम होगा एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। कैन समबडी सजेस्ट हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट दैट एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल? राइट, इन वैल्यूज को इनके सामने वाली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना और ऐड कर देना, और ऐड करने के बाद वो सेलेक्ट होगा जिसका टोटल सबसे कम होगा, क्योंकि ये लॉसेस को शो कर रहा है तो लॉस शुड ऑलवेज बी मिनिमाइज। तो अब हमें इन वैल्यूज को इनके सामने वाली प्रोबेबिलिटी से इंटू करना है और टोटल कर लेना है। तो उसके लिए एक नया टेबल बनाएंगे अब हम, लास्ट टेबल ऑफ टुडेज क्लास। तब तक आप ये नोट कर लीजिएगा, उस टेबल का हेडिंग होगा एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल, और फॉर्मेट, द फॉर्मेट विल बी एग्जैक्टली सेम, इनिशियली यू विल हैव स्टेट्स ऑफ नेचर, स्टेट्स ऑफ नेचर का यहां पे एग्जांपल है डिमांड, देन प्रोबेबिलिटी, देन कोर्सेस ऑफ एक्शन, डिमांड था 20, 25, 40 एंड 60, फिर इनका टोटल करेंगे EOL एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस 0.10 प्रोबेबिलिटी था, 0.30, 0.50 एंड 0.10, सेम 20, 25, 40 और 60, ये वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। मतलब फॉर्मेट एंड तक सेम रहेगा, बस वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। तो वैल्यूज के लिए आपको क्या करना है, इनको इनके सामने वाली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को 0.1 से किया, ये 0 ही आ गया, 10 को 0.3 से किया 3, 40 को सामने वाले 0.50 से मल्टीप्लाई किया 20, और 80 को 0.1 से किया 8, इनका टोटल कर दिया हमने 31. तो ये टोटल आ गया 31। सिमिलरली इस 10 को 0.1 से किया 1, 0 को 0.3 से किया 0, 30 को सामने वाले 0.5 से मल्टीप्लाई किया 15, और 70 को 0.1 से किया 7, इन सब का टोटल किया ये आ गया 23। नेक्स्ट 40 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया 4, 30 को 0.3 से कर दिया हमने 9, 0 को 0.5 से किया, और 40 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनका टोटल किया 17, ये आ गया 17, राइट। लास्टली इस 80 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया 8, 70 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया
40 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया 20 और 0 को 0.1 से किया 0. अब इनका टोटल किया 49. तो इन चारों में से मिनिमम क्या हुआ 17. ये 17 आते ही एक तो आपका ये टैली हो गया कि EOL मिनिमम भी हमारा आ गया 17. और ये चीज याद रखना कि जिसका EMV मैक्सिमम आया था, EMV मैक्सिमम भी हमारा 40th स्ट्रेटजी का था. अभी लिखा था थोड़ी देर पहले कंफ्यूजन. तो जिसका EMV मैक्सिमम आता है सेम टू सेम उसका ही EOL मिनिमम आएगा, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस. और ये मिनिमम आ गया 40th का, तो 40th स्ट्रेटजी का वैल्यू चारों में से आपको कंपेयर करना है. लॉसेस हैं, लॉसेस शुड ऑलवेज बी मिनिमाइज्ड. और EOL मिनिमम लिया तो कितना आ गया 17. लिखिए अब इसका भी कंफ्यूजन. सिंस द EOL इज मिनिमम, सिंस द EOL इज मिनिमम इन 40th स्ट्रेटजी, इज मिनिमम इन 40th स्ट्रेटजी, देयरफॉर द डिसीजन मेकर शुड सेलेक्ट 40th स्ट्रेटजी.